आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड बाटी बहुत ही आसान तरीके से। इसकी स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार है और इसको खाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत मज़ेदार की बनी है, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। तो इसको खाने के लिए हमें ले लेना है घी चोखा, और अगर आपके पास दही मिर्ची हो या कोई भी मिर्ची हो तो मज़ा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है स्टफ्ड बाटी, इसे यूपी बिहार में लिट्टी चोखा भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सत्तू। सत्तू जो है वो रोस्टेड चना का बना होता है। उसमें मैंने डाल दिया है प्याज, लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, मज़ा आता है खाने में, टेस्ट अच्छा आता है। और हरी मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। अब ये है मंगरेला और अजवाइन, ये दोनों ही डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर डालिएगा। अब डाल देंगे यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए अचार का मसाला। अगर आपके पास आम के अचार का मसाला हो या फिर मिर्ची के का मसाला हो, मिर्ची के अचार का मसाला हो, रेड वाली जो मिर्ची होती है ना उसका मसाला हो, वो डाल दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और फिर मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिएगा, यानी कि सरसों का तेल डाल दीजिएगा, धनिया पत्ती डाल दीजिए ढेर सारा, और इसमें आधी नींबू को अच्छे से निचोड़ दीजिएगा। नींबू का सत्तू के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, ये पेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अब हमें इसे मिला देना है, हाथों से मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्पून का हेल्प नहीं ले रही हूँ, हाथों से मिलाऊंगी। बहुत मसाले जो सारे मसाले बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी, हल्का हल्का बस छींटा मारना है आपको, और फिर सत्तू को अच्छे से बाइंड करना है। हमें इतना पानी डालना है कि सत्तू जो आपकी मुट्ठी में बंधने लगे, इस तरीके से। तो ये होगी हमारी स्टफिंग तैयार, इसे हम एक तरफ रख देंगे। अब हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 स्कूप के करीब आटा, और इसमें मैंने थोड़ी सी नमक डाल दी है, 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, तो घी अगर आपके पास है तो घी डालिए। और फिर इसको हमें मिला देना है। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन को भी ऐड कर सकते हैं आटा में, क्योंकि हम लोग सत्तू वाले मसाले में अजवाइन डाल रखे हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसका हमें डो प्रिपेयर कर लेना है। तो डो जिस तरह से हम रोटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें वैसा डो प्रिपेयर करना है, हार्ड नहीं प्रिपेयर करना है। जनरली आप इसको अगर अंगीठी में बनाएंगे तो लिट्टी का जो डो है वो हार्ड बनता है, बट हमें इसको हार्ड नहीं बनाना है, क्योंकि हम इसको अपने ट्रे में बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और इसको हम रेस्ट करने देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद इसे फिर से हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। अब हमें आटे का पोर्शन बनाना है, तो थोड़ा सा आटा हाथों में ग्रीस कर लीजिए, ताकि आटा जो है चिपके ना आपके हाथ में, और फिर हम इसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो जितनी बड़ी आपको लिट्टी बनानी है, यानी कि बाटी बनानी है, उसके अकॉर्डिंगली आप पोर्शन बना लीजिए आटे का डो का। और अब हम एक पोर्शन ले लेंगे, और इस तरीके से इसे हमें रोल करना है। तो आपको बहुत सारी वीडियो में, मेरी बहुत सारी वीडियो में मिल जाएगी कि आटे को किस तरह से हम कटोरी का शेप देते हैं। ये देखिए, बहुत आसान है, बहुत ईजिली है। बहुत लोग बेल करके भी स्टफिंग करते हैं, मैं जनरली ऐसा ही करती हूँ। अब हम सत्तू को इसमें डाल देंगे, और फिर उसको प्रेस करते हुए आटे के मुँह को बंद कर देना हमें, और एक्स्ट्रा आटा इसे निकाल देना है। अब फिर ये देखिए, हमारा एक बाटी जो है बिल्कुल तैयार हो गया। इस तरह से गोल कर लेना है हमें, और एक तरफ हमें रखते जाना है। तो ठीक इसी तरीके से हम सारे बाटी को रेडी कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने ले लिया है अपम ट्रे, उसमें हम डाल देंगे घी, तेल, जो भी आपको पसंद है, और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ध्यान रहे कि फ्लेम जो है बिल्कुल लो रहना चाहिए, नहीं तो आपकी बाटी जो है वो जल जाएगी। तो एकदम लो रखेंगे, और बाटी को हम एक एक करके डाल देंगे, घी तेल अच्छे से ग्रीस कर देंगे, और बाटी के ऊपर भी हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। सारे बाटियों में अच्छे से ग्रीस कर दीजिएगा घी या तेल, उसके बाद हम इसे ढक देंगे। तो ढकेंगे कितने देर के लिए, 40 से 50 सेकंड के लिए। ज़्यादा देर के लिए हमें नहीं ढकना है, नहीं तो बाटी जो है वो जल जाएगी। और उसके बाद हमें इसे पलटते रहना है। पलटने के बाद भी हम इसके ऊपर से घी या तेल लगाएंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट बने, और बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों। बहुत अच्छा सा ये पक जाता है, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली पक जाता है। इसको पलट देंगे और फिर से ढक देंगे। तो 1 से 2 बार हमें ढकना है बाटी को, और फिर इसके ऊपर हमें घी या तेल लगाना है। उसके बाद हमें ढकना नहीं है, बिना ढके हुए हम इसको पलटते हुए पकाएंगे। फ्लेम को हमेशा लो रखेंगे, नहीं तो बाटी जो है वो ऊपर से आपकी जली जली दिखेगी और अंदर से पकेगी नहीं। आप इसको लो फ्लेम में बनाएंगे तो
तो ये बाटी जो है बहुत ही अच्छे से पक जाती है, बहुत सॉफ्ट भी रहती है, खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चोखा भी तैयार कर लिया है और ये देखिए चोखा भी बहुत ही मज़ेदार बनी है, ये चोखा बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे बाटियाँ जो हैं फटने लगी हैं, इट मीन्स कि आपकी बाटी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, तो आपको और सेकने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं और इसको गर्मा गर्म से सर्व कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही सेकूँगी, इसे मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में और आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतर बनकर अब बाटियाँ जो है तैयार हैं। अब चलिए हम इसको एक तोड़कर भी देखते हैं। मेरा तो अभी से ही मन कर रहा है, खा लेने का कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, लेकिन पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना इजीली टूट गया है और इसकी स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार। तो इसको खाने का तरीका भी बता देती हूँ मैं। तो लिट्टी जो है जनरली चोखा घी और मिर्ची के साथ खाते हैं, तो इस तरीके से आपको चोखा लगाना है, घी में डुबो देना है और अगर आपके पास मिर्ची हो, दही मिर्ची, तो क्या कहने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।